वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा अभी हम क्लास 11th में कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको मालूम ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट? ठीक है, तो उसमें मैं जीपी वाले टॉपिक पे हूँ। अभी जीपी मैंने आपको डिस्कस किया था, सम ऑफ एन टर्म्स भी बता दिया था, ठीक है ना। अभी इसके बाद पहले जीएम पे नहीं आएंगे हम, ज्योमेट्रिक मीन से पहले मैं आपको इनफाइनाइट जीपी के बारे में भी बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी जीपी के कुछ क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा फिर मैं नेक्स्ट में कवर करूंगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके टेस्ट भी है कमिंग सैटरडे को, जो ये सैटरडे है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नॉट डिस्कस्ड एक्चुअली, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सिलेबस फॉर द पीरियोडिक टेस्ट 2, ठीक है। उसके लिए आपको सिलेबस बताया जा चुका है, प्रिपेयर करते रहो, रिवाइज करते रहो, डाउट आते हैं लाइव क्लास में पूछ लो आप, ठीक है, ओके। तो आज जो टॉपिक है जीपी के ही प्रॉब्लम्स है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो पहला क्वेश्चन इसमें जो बेटा है वो है क्वेश्चन नंबर 16, 9.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड अ जीपी is minus 4 and fifth term is 4 times the third term, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिख दिया, फाइंड करना है जीपी को, ओके। तो अब जीपी जो कंबाइंड आउट करनी है, तो देखिए किस तरह से सॉल्व करें। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ये मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक। नाउ गिवन सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, मतलब a1 प्लस a कितना बेटा है माइनस, a की वैल्यू तो a रहेगी, वैल्यू होती है ar, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। एंड फिफ्थ टर्म ऑल्सो, फिफ्थ टर्म मीन्स ar टू द पावर 4 इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म मीन्स ar स्क्वायर, ओके। a टू a से a कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ से और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और वी कैन से आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, आर की वैल्यू पता लग गई है, आर की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे एक बार पॉजिटिव को, व्हेन आर इज इक्वल टू प्लस 2 यहाँ रखते हैं, तो ए प्लस 2 ए इज इक्वल टू माइनस 4 और ए इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3, अंडरस्टूड? Now, when r is equals to minus 2, then a minus 2a is equals to minus 4, or a is equals to minus a रहेगा, divided by plus का 4 आ जाएगा, a की वैल्यू मिल चुकी है, so the GP is, पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं जब a की वैल्यू minus 4 by 3 और r की वैल्यू 2 है, तो minus 4 by 3, then ar, तो ए के साथ आर का मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस 8 बाई 3 माइनस 16 बाई 3 माइनस 32 बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और दूसरा भी तो कॉम्बिनेशन है, 4 8 16 32 एंड, तो ये दो जीपी पॉसिबल थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, हालांकि आप इसमें लिख भी सकते थे, अगर ये है तो सो द जी पी इज, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सो जी पी इज ए आर स्क्वायर एंड सो, ठीक, ये हो जाएगी, करेक्ट। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया है, सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व, ओके। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो किस तरह से करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक टू बैक है, तो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। So, अभी हमने 16 डिस्कस किया था, नाउ इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स 17th क्वेश्चन।
ठीक है। तो 17th क्वेश्चन जो है बेटा, ये बोला गया है A10 and A16, ये तीन रन है आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली इन ए जीपी। इसे जीपी के तीन रन है, ये प्रूव दैट एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। देखो क्वेश्चन का पहले मीनिंग बताता हूँ क्या है एक्चुअली इसका मतलब। इसने बोला कि किसी जीपी में जीपी का फोर्थ टर्म एक्स है, दसवां टर्म वाई है और 16वां टर्म जो जेड है। प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड खुद भी जीपी ही फॉर्म कर रहे हैं ये तीनों, ठीक। तो ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। जिसे हम लिख सकते हैं ए आर और 9 जो होल स्क्वायर, और ए आर 9 ही तो वाई था इक्वल टू एल एच एस। हैंस तो ये क्वेश्चन हो गया, और ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में। तो ये हो गया है एक और क्वेश्चन सॉल्व, ओके। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, जीपी आसान होती है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए रहती है कि पहली बार पढ़ रहे हो, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताना चाहूँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह के और भी कई सारे क्वेश्चन होंगे आपके एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स वाले बुक में। इनफाइनाइट जीके मुझे लगता है शायद एनसीईआरटी बुक में नहीं दी है, तो वो मैं एलिमेंट से कराऊंगा अगर उसमें नहीं मिलती तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, फाइंड द सम ऑफ द जीपी। इस जीपी नहीं बोला, इसने ऐसे बोला 8 + 88 + 8 + 4 × 8 एंड सो ऑन, फाइंड सम टू एंटर। ऐसा नहीं लिख देता, अंडरस्टूड है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा देखिए, क्या ये एपी है? जी नहीं। क्या ये जीपी है? नहीं। 88 अपॉन 8 करोगे 11 आएगा, ये अपॉन ये करोगे तो पता नहीं कितना आएगा, बट 11 नहीं आएगा। ये अपॉन ये करोगे फिर से 11 नहीं आएगा, मतलब जीपी नहीं है, ठीक। तो अब इसको जीपी में लिखना पड़ेगा, वो कैसे वो देखिएगा। इस तरह के जितने क्वेश्चन अपने सेम कंसेप्ट में होगा जो अभी मैं बताऊंगा हम वो, ओके। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में 8 को लेते हैं कॉमन, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 11, बेटा इस तरह से, ठीक। अब बेटा हम क्या करने वाले हैं, ये कॉमन ले लिया, अब मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करेंगे, तो अब मैं 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड तो बाहर लिखेंगे और जो मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा, ये 499 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। ये ऐसा क्योंकि उसका रीजन बताता हूँ। देखिए 9 जो है ये 10 के नियर है, 100 के नियर है, 1000 के नियर है, 10,000 के नियर है, 1 लाख के नियर होगा,
सॉरी ये 10,000 के नियर है, तो हमें पता लग रहा है कि ये किस किस के नियर है, तो ये एक राउंड फिगर के नियर हो गए ना, और हम इसको ऐसे लिखेंगे इस 10 को 10 माइनस 1 लिखूंगा, इस 9 को 99 को लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर क्योंकि 100 है, ये 1000 माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 क्यूब माइनस 1 लिखो, ये 10,000 दैट इज 10 क्यूब और 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक, ध्यान से देखेंगे 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 स्क्वायर तो जीपी बन रही है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन, ये एक जीपी हो गई, माइनस बाकी सभी में 1 1 1 1 n टाइम्स, इस तरह से आ रहे हैं। ये एक जीपी सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म है 10, r की भी वैल्यू 10 है, इतना आएगा माइनस ये 1n, ये 1n, ठीक है, ये 9 हो चुका है, 8/9 10 इंटू 10 पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, एलसीएम ले जाते हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में इसको छोड़ दो, यही आंसर, ठीक है। तो देखिए इस सीरीज का सम एन टर्म्स का जो वो इस तरह से फाइंड हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व करके देखो, ठीक है, कंसेप्ट यही रहेगा कि पहले इस तरह से करो, फिर 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 10 के नियर वाले टर्म्स में ये चेंज होता है, 10 के मल्टीपल्स के नियर, ठीक, जैसे ये किया गया है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस, शो दैट प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंस है, पहला सीक्वेंस है ए ए आर ए आर स्क्वायर एंड वन ए आर टू द पावर एन माइनस वन, एंड दूसरा सीक्वेंस है ए ए आर ए आर स्क्वायर एंड वन ए आर टू द पावर एन माइनस वन, फॉर्म जी पी, एंड फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ सेट। सबसे पहले प्रोडक्ट ही करते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ए इंटू ए, नेक्स्ट हो जाएगा ए इंटू आर इंटू आर, नेक्स्ट हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर इंटू ए इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट टर्म हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन इंटू कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक। अब इसका फर्स्ट टर्म, नाउ फर्स्ट टर्म इज ए इंटू ए, सेकेंड कॉमन रेशियो देखते हैं, तो कॉमन रेशियो नहीं, अभी हमें पता नहीं ना जी पी है, तो नहीं कह सकते कॉमन रेशियो, तो हम रेशियो ऑफ ए टू अपॉन ए वन फाइंड आउट करेंगे, तो ए इंटू ए स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन ए टू, ये आ गया आर इंटू आर, ऐसे ही ए थ्री और ए टू का रेशियो फाइंड करते हैं, ए थ्री अपॉन ए टू जब करेंगे तो ये टर्म आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर ए आर ए आर अपॉन सी ए आर अपॉन कैपिटल आर इनटू आर फिर से ध्यान से देखिए कॉम्बिनेशन सेम आ रहा है ना, मीन्स रेशियो इज सेम,
रेशियो ऑफ एन टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इज सेम, सो द सीरीज इज अ जीपी, द सीक्वेंस इज अ जीपी. प्रूव हो गया. नाउ कॉमन रेशियो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ बोथ द सीक्वेंसेस. ये हो गया क्वेश्चन. सिंपल था लेकिन समझना था क्वेश्चन को. ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं. अब आज आप इस एक्सरसाइज के 20th तक मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं. ठीक है, तो 10 तक कल हो चुके थे, 85 और ज़्यादा हो गए थे आई थिंक. इसके आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन 22 आज आपको करने हैं. ठीक है, एनसीईआरटी से आगे मैं वीडियोज़ में और कवर करूँगा, बट एक और इम्पॉर्टेंट बात टेस्ट करें. ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए. सिलेबस बताया जा चुका है, वो प्रिपेयर करते रहो. कोई भी प्रॉब्लम आती लाइव क्लास में पूछिए. Thank you.